बिग बॉस सीजन 6 के जरिए हर किसी को एंटरटेन करने वाली सना खान हमेशा ही सोशल मीडिया पर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। वहीं अब लीजिए, वो एक बार फिर से खबरों में आ गई हैं। सना खान सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी हॉट फोटोज के चलते सुर्खियां बटोरती रहती हैं। वहीं अब सना के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर सुनकर यकीनन उनके फैंस को बड़ा झटका लगने वाला है। बात कुछ ऐसी ही है, सना खान ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया है। सना ने अपने इस फैसले की जानकारी फैंस को सोशल मीडिया के जरिए दी और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की वजह इस्लाम को बताया है। वहीं अब सना इस चकाचौंध भरी दुनिया को छोड़कर लोगों की सेवा करना चाहती है और साथ ही उन्होंने कहा कि वो अब अल्लाह के आदेशों का पालन करेंगी। सना ने बाकायदा इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली है और उसमें लिखा है, भाइयों और बहनों, आज मैं अपनी जिंदगी के एक अहम मोड़ पर आपसे बात कर रही हूँ। मैं सालों से शोबिज़ की जिंदगी गुजार रही हूँ और इस अरसे में मुझे हर तरह की शोहरत, इज्जत और दौलत अपने चाहने वालों की तरफ से नसीब हुई, जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। अब कुछ दिन से मुझ पर यह एहसास कब्जा जमाए हुए है कि इंसान की दुनिया में आने का मकसद क्या सिर्फ ये है कि वो दौलत और शोहरत कमाए? क्या उस पर यह फर्ज आयद नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी उन लोगों की खिदमत में गुजारे जो बेआसरा और बेसहारा हैं? क्या इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे किसी भी वक्त मौत आ सकती है और मरने के बाद उसका क्या बनने वाला है? इन दो सवालों का जवाब मैं मुद्दत से तलाश रही हूँ, खास तौर पर एक दूसरे सवाल का जवाब कि मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। सना ने आगे कहा, इस सवाल का जवाब जब मैंने अपने मजहब में तलाश किया तो मुझे पता चला कि दुनिया की ये जिंदगी असल में मरने के बाद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है और वो इससे सूरत में बेहतर होगी। और इसलिए मैं आज ये ऐलान करती हूँ कि आज से मैं अपनी शो बेस की जिंदगी छोड़कर इंसानियत की खिदमत और अपने पैदा करने वाले हुक्म पर चलने का पक्का इरादा करती हूँ। तमाम बहनों और भाइयों से दरख्वास्त है कि वो अब मुझे शो बेस के किसी काम के लिए दावत ना दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सना खान से पहले दंगल फेम एक्ट्रेस ज़ायरा वसीम भी फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह चुकी हैं। उन्होंने भी ऐसे ही वजह के चलते बॉलीवुड का अपना सफ़र ख़त्म किया है। आपको ये भी बताते चलें कि सना खान ने फिल्म यही है हाई सोसाइटी से साल 2005 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इसके अलावा वो बॉम्बे टू गोवा, धन धना धन गोल, हल्ला बोल, जय हो, वजह तुम हो जैसी फिल्मों में नजर आई थी। वहीं सना ने हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया है।